समस्तीपुर जिले के सिंगिया थाना अंतर्गत नीरपुर भररिया पंचायत के भरिहार गांव वार्ड संख्या 3 में सियास शरण साहू के पुत्र संतोष साह और रंजीत साह के घर में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। इस आग लगने की वजह से उनका खपरेल का घर, रसोई घर और 5 पशु चारा घर, जिसमें 3 घर में भूसा भरा हुआ था और 2 घर जिसमें भूसा नहीं था, वह भी जलकर राख हो गया। रसोई घर का सारा सामान और वहां पर रखी 20 बोझा खड़ी भी आग में जल गया। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के घरों में भी अग्नि की लपेट पहुंचने लगी, लेकिन वहां के ग्रामीणों की तत्परता और सूझबूझ की वजह से आग पर तो काबू पा लिया गया, परंतु रंजीत साहू और संतोष साहू का रसोई घर और पशु चारा घर आग की तेज लपटों की वजह से जल गया। सिंगिया थाना के द्वारा अग्निशामक की गाड़ी भेजी गई और अग्निशामक की गाड़ी पहुंचने से पहले वहां के ग्रामीणों ने उस पर आग पर काबू पा लिया। गनीमत रही कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। आग की वजह से किसी व्यक्ति के हताहत होने की खबर नहीं है, परंतु जिस रहस्यमय तरीके से आग लगी है, इसकी वजह से उनका पूरा रसोई घर और पशु चारा घर जल गया है। पीएनपी न्यूज के लिए सिंघिया से संवाददाता रामनंदन साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं रामनंदन साहू और आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज। अभी सिंघिया प्रखंड में मैं हूं, भरिहार गांव में, और भरिहार गांव में कल शाम के समय में आग लगी थी। मैं नहीं आ पाया था, अभी आया हूं और दिखा रहा हूं आप लोगों को किस तरह से आग से जो क्षति हुई है यहां। आपका नाम? संतोष। संतोष साहू के घर में आग लगी थी और आग लगने से इनका भूसा का घर क्षति हुआ है और रसोई घर भी क्षति हुआ है। इधर दिखाइएगा, रसोई घर है रंजीत साहू का, ये हम आपको दिखा रहे हैं ठीक से। सुशील भैया इधर दिखाइएगा, आप जरा देखिए किस तरह से क्षति हुआ है। और यह आग लगने की समस्या जो है सो बराबर कहीं ना कहीं सिंगिया में घट ही रही है, जिससे बराबर कुछ न कुछ क्षति होना, आमजन का नुकसान होना सभी हो रहा है। आइए हम दिखाते हैं इनके परिजनों से, यहाँ पे आए हुए हैं परिजनों से मिलते हैं जिनके घर में आग लगी थी। आपका नाम? आग कैसे लग, पता नहीं वो आग निकला साइड से, आग निकला चिंगारी या कोई इलेक्ट्रिक, पता नहीं आपको नुकसान आपका ये पूरा चक्का हुआ, बताइएगा आपको। इधर भी दिखाई रहे हैं लोगों को, अच्छा बोलिए तो आप कैसे नुकसान हुआ, आपके घर में कैसे आग लगाई, बताइए आपका नाम। आग लगा था उस समय आप थे सोए हुए, कैसे आग लग गया कोई बता सकते हैं कैसे आग लगा? मतलब आग लगते हुए किसी ने नहीं देखा, लेकिन आग लग गया। आप इधर दिखाइए सुशील भैया, जो यहाँ पे नहीं देखा गया है फिर भी आग लग चुका है। आग लगने से यह सारा संपत्ति जो है नष्ट हुआ है, देख लीजिए किस तरह से है, यहाँ भी दिखाइएगा। आइए हम आपको ले चलते हैं पूरा घर का आग लगी है, यहाँ दिखाइएगा इस साइड पिक्चर दिखाइए, ये देखिए रसोई घर किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, आग से जल के राख हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ का ये पूरा घर, ऊपर तक दिखाइएगा देख सकते हैं। वैसे भी भीषण गर्मी है, आज से बराबर चेताया जा रहा है, फिर भी आग लगी की घटना हो ही रही है। कल परसों टारा में भी लगा था आग, इसके वजह से फसल का काफ़ी नुकसान हुआ था और यहाँ भी सेम वही स्थिति है। आपका नाम? संतोष साहब। संतोष साहब, क्या हुआ, भूस्कार भी जल गया आपका? हाँ, पूरा जो है 5 गो भूस्कार, 2 गो खाली था, 3 गो भूस्कार लौटे था, पूरा जो है सो जल गया, जो है सो देखिए मिला जुला के आपका लाखों का संपत्ति का नुकसान हो चुका है। कमी क्या हो, उससे कम क्या हो जी। आप प्रशासन वहाँ पे अग्निशमन की गाड़ी आई थी यहाँ पर आग बुझाने के लिए? लास्ट में आई थी, जब लास्ट में जब सारा जल गया यही तब आई थी, नहीं तो जाते थोड़ी इतना तब यदि समय पर अग्निशमन की गाड़ी आती तो आग पर काबू पाया जा सकता था। पाया जाता, लेकिन लास्ट में आया जब बुता गया तब आया जो है। देख सकते हैं सूचना देने के बाद भी अग्निशमन की गाड़ी इतनी देर से पहुँची, जिसके वजह से यह पूरा घर जल चुका है। यदि सही